सबका मेरे चैनल LinkedIn जिम साइट में है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ताकि कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट की जानकारी हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरा नाम है DK, मैं हूं एक रिसर्च इन फार्मासिस्ट मुंबई। रिव्यू कर रहा हूं ओनाबेट और ओनाबेट मैक्स क्रीम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश इनसाइड में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट की जानकारी हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरा नाम है DK, मैं हूं एक रिसर्चिंग फार्मासिस्ट मुंबई। रिव्यू कर रहा हूं ओनाबेट और ओनाबेट मैक्स क्रीम। दोनों क्रीम्स क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इफेक्ट, साइड इफेक्ट, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओनाबेट और ओनाबेट मैक्स दोनों सेम क्रीम्स हैं। मैक्स इसलिए लिखा है कि साइज़ बड़ा है और ओनाबेट प्लेन इसलिए है क्योंकि साइज़ छोटा है। तो दोनों सेम क्रीम है, एक ही दवाई डाली गई है सेटाकोनाजोल। डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया है ओनाबेट क्रीम आपको, तो दांत, खाज, खुजली, इचिंग, इरिटेशन, फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती है ओनाबेट क्रीम। एक ही दवाई डाली गई है सेटाकोनाजोल, एंटी फंगल है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल है। तो उन कीटाणुओं को मारने का काम करती है, उस फंगस को मारने का काम करती है जो भी आपको फंगल इन्फेक्शन, दांत, खाज, खुजली देते हैं। तो ऑल इन ऑल दवाई अच्छी है और कारगर दवाई है और जब तक आप यूज़ करेंगे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो याद रखिए, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ ओनाबेट क्रीम लगाएंगे तो जब तक आप क्रीम लगाएंगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप क्रीम लगाना बंद कर देंगे तो दांत, खाज, खुजली वापस आ जाएगी। तो एक बात याद रखिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे तो श्योरली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुक्रिया।